नागदा से कांग्रेस कार्यकर्ता की बैठक संपन्न। विधायक बोले, कार्यकर्ता जोश के साथ उतरेंगे मैदान। नागदा में कांग्रेस बूथ लेवल बार अपने कार्यकर्ता की बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को जोश के साथ मैदान में उतरने का मूल मंत्र दे रही। विधायक द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता वार्ड लेवल की बैठक हुई, जिसमें नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मान किया, उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने कहा कि हम सभी वार्डो में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रही है और चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है और लोगों के बीच जाएं और कांग्रेस की सारी योजनाओं के बारे में समझाएं। विधानसभा चुनाव की आज घोषणा हो चुकी है। आज हमने वार्ड नंबर 1 से 8 तक के ग्रामीण कांग्रेस के मंडल सेक्टर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की है, जिसमें कांग्रेस की रणनीति बनाई गई कि हमको नागदा से किस तरह से बीज लेना है और प्रत्येक कांग्रेस गठबंधन है और दूसरे से इस बार नागदा से भी हम तो ये किन किन अभी और भी कौन वार्डों में रखी जाएगी इस तरीके में हम क्षेत्र आने वालों में भी हमारा सम्मेलन 2 से 20 तक विकासी गार्डन तो कार्यकर्ताओं को कुछ निर्देश भी दिए गए कि किस तरह से कार्य करना है विधानसभा चुनाव को लेकर। कार्यकर्ता बैठक होती है तो कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से निर्देशित किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रचार करें, उसका हमको किस प्रकार मुकाबला करना है और हमारी कांग्रेस की क्या क्या शासन की योजना है जो आम जनता तक उसको पहुँचाना है। जिस प्रकार से आज बीजेपी की जो एक वोट लिस्ट तीसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसपे कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी को टिकट नहीं मिल रही पर वो बुद्धि से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए कि क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का और अभी उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है विधायक जी की, बोले जो दिलीप गुर्जर है वो कांग्रेस के प्रत्यक्ष रूप से जो नागदा विधानसभा से नाम आपका घोषित हो रहा है। आज जो कांग्रेस कमेटी जो बैठक हुई है दिल्ली में, उसमें भी कहा जा रहा था जहाँ तक सवाल है प्रभावित कांग्रेस हाईकमान को तय करना है कि कौन अच्छे से लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के मिशन लीडरों का ऐसा मुकाबला करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए नागदा उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।